गोड ब्राह्मण महासभा शहर अजमेर के द्वारा ये साधारण सभा दूसरी बार रखी गई है। 2 साल का जो सम्मान समारोह एक साथ होने के ऊपर हम सभी ब्राह्मण बंधु जितने भी हैं सब सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर रखा गया है और उसके अंदर 75 साल से बुजुर्ग, 80 साल से ऊपर जिनके 10वीं 12वीं के बच्चे और जो विशेष वरिष्ठ है उनके लिए सम्मान और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किया जाएगा उनमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आने वाले बच्चे या माताएं बहनें जो पुरुष जितने भी हैं उनको सबको फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। एक प्रोग्राम हम जीके का रखना चाह रहे हैं, उसमें भी अगर बच्चे इसमें भाग लेना चाह रहे हैं तो उनको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज मिलेगा। अगर ज़्यादा अच्छे बच्चे आ गए तो फर्स्ट जो आएंगे उनमें 3 बच्चे, सेकंड में आएंगे 3 बच्चे, थर्ड में आएंगे 3 बच्चे, इन सबको भी वहाँ सम्मानित करेंगे। और महिलाओं का भी खास योगदान ऐसे रहेगा कि महिलाओं को साथ रहेगी, वो उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी है और महिलाओं को सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी महिला आएगी उनको महिलाओं के ऊपर ही ये कहा है कि भाई आप स्वयं इसका मतलब निरीक्षण करें फर्स्ट सेकंड कौन आवे। और जेंट्स के अंदर कमेटी बना दी है, उस कमेटी के अंदर जो भी सजेशन होगा सब अपने अपने हिसाब से उनको देंगे। गोविंद प्रसाद पांड्या, अध्यक्ष गोड ब्राह्मण महासभा शहर। 17-11 तारीख को गोड ब्राह्मण महासभा अजमेर का सम्मान समारोह है और इस सम्मान समारोह में हमारे अतिथिगण जयपुर से पधारेंगे जो पूरे रास्ता निकाय के अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं। इसमें सम्मान समारोह के साथ साथ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, महिलाओं और बच्चों के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें महिला विंग को महिला विंग की जिम्मेदारी, पुरुष विंग को पुरुष विंग की जिम्मेदारी, उसके पश्चात भोजन प्रसादी का आनंद लिया जाएगा। इस तरह से बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये सारा गोड ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम 17-11 को रखा गया है। श्याम सुंदर शर्मा।